वेलकम दोस्तों। फ्रेंड्स, करंट जीके का ये अगला भाग है। आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप लोग उसको आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। विन मिंट को 28 मार्च 2018 को किस देश का राष्ट्रपति चयनित किया गया है? दोस्तों, सही आंसर है म्यांमार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च सन 2018 को निधन हो गया। दोस्तों, ये एक्सपायर हो गए हैं, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक थे ये। इनका संबंध किस देश से था? तो सही आंसर दोस्तों क्या है, ब्रिटेन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है के अवसर पर किस महिला पर्वतारोही को कल्पना चावला बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनीता कुंडू या सुनीता सिंह या ए और बी दोनों? आप देख सकते हैं सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो द्वारा GSAT-6A उपग्रह का सफल प्रक्षेपण 29 मार्च 2018 को कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 21 मार्च 2018 को देश में चीनी के निर्यात पर सीमा शुल्क को वर्तमान में 20% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया? ये दोस्तों सही आंसर है 0%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने 16 मार्च 2018 को एशियाई बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ADB के साथ रेलवे की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन राशि का ऋण समझौता किया है? ठीक है, मीन्स ADB इंडियन गवर्नमेंट को ये ऋण देगी, $120 बिलियन, $120 मिलियन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 9 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर दोस्तों है 5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, किस देश में 45 दिनों तक चले आपातकाल को 22 मार्च 2018 को हटाया गया है? सही आंसर दोस्तों मालदीव। नौवां क्वेश्चन देखिए, पांचवा विश्व उर्दू सम्मेलन 24 और 26 के मार्च के बीच में जो हुआ था 2018 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने 7 मार्च 2018 को किस देश के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ग्यारहवां क्वेश्चन दोस्तों है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में जो है मैं 8 मार्च 2018 को खेली गई आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2017-18 का खिताब किस टीम ने जीता? आपसे क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बारहवां क्वेश्चन दोस्तों आपका है, किस देश ने 14 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? सही ऑप्शन क्या है, फिलीपींस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 मार्च 2018 में गिर नेशनल पार्क जो कि दोस्तों कहाँ है, गुजरात में की गई एशियाई शेरों की गणना के अनुसार उनकी संख्या अब कितनी है? सही आंसर क्या है, 600। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, WEF द्वारा 15 मार्च 2018 को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में 114वें जो देश थे दोस्तों, टोटल देश थे 114, सूची में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो 78वां स्थान। ठीक है, 78वां। ग्लोबल मोबाइल अवार्ड 2018 में बेस्ट स्मार्टफोन 2017 का अवार्ड किसे दिया गया? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप उसको बताएंगे एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स या ओप्पो में से कौन सा आपका आंसर है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कल नई वीडियो के साथ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।